हेलो गाइस, तो अगले ही हफ्ते हम पहुंच चुके थे आगरा मम्मी से पार्टी लेने, और यहाँ मैं तैयार हो रही थी शॉपिंग के लिए। और पति के पैसों पर मौज उड़ाने का तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे ये खुश हो या दुखी, पर मेरे वाले तो आज काफी खुश थे। जब मैं इस दुकान पर स्लीपर्स देखने बैठी तो देखा कि ऐसे स्लीपर्स तो मेरे पास पहले से ही हैं, और मुझे यहाँ पे कुछ ना मिलने के कारण दूसरी दुकान से दो जोड़ी कपड़े लाकर ही संतुष्टि करनी पड़ी। कपड़े की दुकान से कपड़े लेके लौटते में मैंगो शेक का सेवन किया, और गर्मियों में मैंगो शेक पीने का तो मजा ही कुछ अलग है, ये तो सबको पता है। और यहाँ से हम सीधे घर गए और घर जाके चेंज किया, चेंज करके रेस्टोरेंट में आए, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने हमें पहली बार अम्मा बनने की खुशी में पार्टी दी थी। और मैं जैसे ही पहुंची तो देखा यहाँ पे मम्मी और भैया पहले से ही हॉट सीट पे बैठे हुए हैं, और मम्मी के फेस पे अम्मा बनने की खुशी का अलग ही ग्लो था भाई। और गाइस, ये ब्लॉग मेरे 6 महीने पूरे होने पर ही आएगा। और फिर मम्मी ने और भैया ने यहाँ पे मेरे लिए छोटा सा प्यारा सा केक मंगाया और कट करवाया, और मैं बता दूं कि ये केक मेरा फेवरेट केक है। और फिर तालियों के साथ मैंने केक कट किया और फिर मम्मी को खिलाया, और फिर मैंने भैया को बुलाया और साथ के साथ उन्हें भी केक खिलाया। और भैया को केक खिलाते ही ये बिन बुलाए मेहमान पता नहीं कहाँ से आए, बोले बाप तो मैं भी बनने वाला हूँ, केक तो मेरा भी बराबर बनता है। फिर मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया और फिर इन्होंने मुझे 2 बार केक खिलाया, बोला एक तुम्हारे एक हमारे बेबी का। और फिर केक का समाधान करने के बाद हमने सीधी खाने पे चढ़ाई कर दी। सबसे पहले तो मम्मी ने गरम गरम रोटियों पर मक्खन लगाया, और फिर हमने उन्हें दबा के खाया। और मुझे यहाँ के चिली पटेटो भी बहुत पसंद है, तो खाया पिया और एंजॉय किया। तो गाइस, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी हर छोटी बड़ी खुशी अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, क्योंकि अपनी फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।